आज पूरे देश में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जगह जगह भीम सैनिकों ने कैंडल मार्च निकाला। ऐसे में हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के यूनिवर्सिटी, जहां पर अम्बेडकर नगर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर भीम सैनिकों ने पुष्प अर्पण करके उनके वंदना की। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो है भीम सैनिक यहाँ पर उपस्थित नजर आ रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर वंदना करने के बाद हमारे चैनल से वार्तालाप करते हुए समाज सेवक अनिल गायकवाड़ जी, नगर सेवक विकास निकम जी, साथ ही साथ महानगर पालिका के जो शहर अभियंता हैं एलपी गायकवाड़ जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुछ कथा हमारे चैनल से वार्तालाप किए। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाती है वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं भीम सैनिक हजारों की संख्या में। हम आपको बता दें कि यहाँ पर लोग उपस्थित रहते हैं, जैसे कि गायत्री नगर, कोम्बलपाड़ा, पद्मा नगर जैसे क्षेत्रों से भीम सैनिक कैंडल मार्च निकालकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नगर में जाकर वहाँ पर प्रतिमा पर वंदना करते हैं। इस बार भी वही चीज़ देखने को मिली। ऐसे में आपको दृश्य दर्शा रहे, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर सभी भीम सैनिक वंदना करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इस विशेष रिपोर्ट को। पानाति नदनाभिरमणि शिखापदं समाधियामि कामेषुमिच्छाचराभिरमणि अभिरमणि शिखापदं समाधियामि साधु साधु साधु। आज विश्वरत्न महामानव परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का महापरिनिर्वाण दिन है, और आज ना ही अपने भिवंडी शहर के लोग बल्कि पूरे देश से मुंबई में जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर साहब का चैत्य भूमि महापरिनिर्वाण हुआ, वहाँ पे लाखों के तादाद में बाबा साहब के ने दिए हुए विचारों को अभिवादन करने के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं। जैसे कि आज यहाँ पे भिवंडी शहर में ये एक ऐसा एक ऐतिहासिक स्थल है कि यहाँ पे सब सोचते हैं कि सब लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा क्यों होते हैं, तो इसका महत्व ये है कि जब बाबा साहब अम्बेडकर साहब यहाँ पे आते थे तो यहाँ उन्होंने यहाँ के लोगों को एक सदिच्छा भेंट दी थी, और इसीलिए इस अम्बेडकर नगर को एक ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हुआ है, और उसी वजह से सभी लोग उनकी याद में आज के दिन एक साथ आके बाबा साहब को अभिवादन करते हैं। और मैं एक छोटा सा एक धम्म सेवक कार्यकर्ता और मेरे साथ ये सभी युवा, हम बाबा साहब के सभी अनुयायी, हम यही आज के दिन एक शपथ लेके ये सोच लेके हम लोग चलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने इस दुनिया को मानवता का धर्म दिया, और ये मानवता का संदेश, शांति का संदेश, सबको एक साथ समता बंधुत्व लेके चलने वाला संदेश हम बाबा साहब के मार्ग पे लेके चलेंगे। और फिर एक बार मैं उनको कोटि कोटि विनम्र अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। आज पूरे देश के लिए बड़े दुख भरी बात है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर इनका महापरिनिर्वाण दिन हुआ था और आज 62 साल पूरा हो रहा है। तो अपने भिवंडी शहर में जैसे हमारे गायत्री नगर से ज्योत आती है, संगमपाड़ा, कोम्बलपाड़ा से, पद्मा नगर से, और अम्बेडकर नगर के जो भी बाबा साहब के विचारों को फॉलो करते हैं, वो आज इस दिन बाबा साहब को अभिवादन करने के लिए, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का पुतला है जो हमारे जूने काप अम्बेडकर नगर में, उनको यह अभिवादन करने के लिए सब हमारे बच्चे, महिला और बुजुर्ग, सब नेतागण, सभी पार्टी के पदाधिकारी और हमारे बहुजन पंचायत समिति के सभी पदाधिकारी यहाँ पे अभिवादन करने के लिए आते हैं। क्या कहेंगे आज महापरिनाम? हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबा साहब के 62वां परिनिर्वाण दिन जो है पूरे जग में, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये दलित समाज में जन्मे हुए, उन्होंने जितनी यातनाएं सही उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचकर, जहाँ जहाँ पर अन्याय अत्याचार होता था
वो उसको सब अवलोकन करके और उसको चैलेंज देने के लिए और अपने दलित भाइयों के उत्थान के लिए उन्होंने अपनी बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की। यहाँ भारत के पॉलिटिक्स में उन्होंने एक अच्छा उच्चांक पैदा की करने अपने आखिरी सांस तक उन्हें लड़ाई की और हमें जीने का हक मिला के दिया। ऐसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 62वें दिन के तहत हम उनको पूरे भारत अम्बेडकरी समाज उनको अपने आदरांजलि व्यक्त करते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जनता की आवाज़ टीवी न्यूज़। धन्यवाद।